देख रहे हैं आप और एक्सप्रेस स्पेशल के साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे मुंगेली जिले में बरेला से गीधा तक बन रही सड़क मुसीबत का सबब बन रही है। धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य के चलते गांव दशरंगपुर के लोग पहले से ही खासे परेशान हैं। अब बारिश की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर काम में लापरवाही बरतने और गुणवत्ताहीन काम किए जाने का आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि मिट्टी खोदकर लोगों के घरों और खेतों के रास्तों में डंप किया जा रहा है, जिसकी वजह से कीचड़ भी हो रहा है। ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको ये भी बता दें कि पानी निकासी की जगह नहीं बची है और जल भराव होने से कई किसानों की गर्मी की फसल भी बर्बाद होने की कगार पर है। कोई रास्ता नहीं बचा है, आने जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है और ऐसी तमाम परेशानियों के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि ये गाँव क्षेत्रीय विधायक पुन्नूलाल मोहली का गाँव बताया जाता है। उतरने में चढ़ने में खेती में पूरा पानी भर गया है। अब नाली बनाने, पक्का नाली बनना चाहिए, घर में पानी भर रहा है, मकान में है। ये मिट्टी पहले बस्ती अंदर था, दशरंगपुर के बीच गली में डाला था, वही मिट्टी जब रिजेक्ट हो गए तो उस मिट्टी को लाके यहाँ डाल दिए। आज किसानों के खेत के नीचे पूरा मिट्टी पानी में, एक पानी थोड़ा सा गिरा है वो पूरा मिट्टी खेत में जा रहा है। ऐसा बन गया है कि नाली का कोई व्यवस्था नहीं। इसी दिन लोग रोड देख रहे हैं, आए दिन गाड़ी जाम लगता है। तो लापरवाही जो अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, वो लगातार बरत रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जिनको कार्रवाई करनी चाहिए, जिनको नकेल कसनी चाहिए, वो सब अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़े हुए बैठे हैं। क्षेत्रीय विधायक पुन्नीलाल जी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्षेत्र की जनता है, खासी नाराज है, सड़कें खुदी हुई हैं, काम हुआ नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से सुनवाते हैं क्या कुछ लोगों का कहना है। रोहित कश्यप हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, किस तरह का यह विकास हो रहा है कि लोगों को परेशानी होने लगी है, इस विकास से ही उलझन होने लगी है जो विकास रुका हुआ है? कछुआ गति से गिधा से बरेला तक फोर लेन सड़क का जो काम चल रहा है, वर्तमान समय में मुंगेली जिले में जो राहगीर है, चाहे दोपहिया वाहन हो या चारपहिया वाहन, उनके लिए तो मुसीबत तो बनी गया है। इसके अलावा जो मुंगेली के जो बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहले है, उनके गृह ग्राम के जो किसान है, दर्जन भर से अधिक किसान इस वजह से परेशान है क्योंकि यहाँ जिस तरीके से बेतरतीब तरीके से सड़क का जो काम चल रहा है, बड़े पैमाने पर मिट्टी डंप कर दिए गए हैं किसानों के खेत के सामने पर। उसके बाद से किसान पानी जो गिर रहा है वो पानी खेतों में पूरी तरीके से भर गया है और जो गर्मी का जो फसल था वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। इसके अलावा अब खेती किसानी का भी सीजन शुरुआत होने को है और वो लोग अब खेती किसानी भी नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि ना तो किसी गाड़ी की आने जाने की व्यवस्था है और ना तो अन्य कोई साधन है जिसके चलते वो अब खेती किसानी कर सके। और इसके अलावा विधायक साहब क्या कर रहे हैं? विधायक भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे, कौन है सांसद साहब, कौन है कलेक्टर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कैसे क्षेत्र का विकास होगा, कैसे लोगों को परेशानियों से निजात मिलेगी? देखिए, ये मुख्य मार्ग है, नेशनल हाईवे रोड है। यहाँ से स्थानीय जो विधायक है, सांसद है, जिले के कलेक्टर है, तमाम जो बड़े अफसर है, जिम्मेदार अफसर, वो भी इसी रास्ते से फर्राटे मार रहे हैं। लेकिन पुन्नूलाल मोहले आखिरी बार कब अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा करने के लिए पहुंचे हुए थे? देखिए, फिलहाल तो मोहले जी जिस तरीके से अभी कोरोना का संकट काल चल रहा है उसके बाद से बहुत कम समय में ही कमाई दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हम उनसे जवाब लेना चाहते थे कि उनका पक्ष क्या है इस पूरे मामले पर, हालांकि उनसे बात नहीं हुई है। कलेक्टर साहब से भी हमारी बात हुई है तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि जो भी इस संबंध में संबंधित ठेकेदार और जो अधिकारी है उनको निर्देशित किया जाएगा कि किसी राहगीर या फिर किसी भी किसान को परेशान ना होना पड़े। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि वर्तमान में लोग परेशान तो हो रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे होते तो शायद आज हम चर्चा भी नहीं कर रहे होते, ये तमाम सवाल जवाब नहीं हो रहे होते। लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई विभाग काम नहीं कर रहा है तो कलेक्टर को उन तमाम विभागों में कार्रवाई किए जाने का, एक्शन लेने का अधिकार प्राप्त है। अगर वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, एनएच विभाग के जो ईई है उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फोन काट दिया और उनका कहना है साफ तौर पर कि हम इस मामले में कोई भी अभी जानकारी नहीं दे सकते। जो भी आपको जानकारी है, चाहूंगी इस वक्त हमारे साथ शैलेश पाठक, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, फोन लाइन पर जुड़ गए। पाठक साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।
पाठक साहब, माननीय विधायक जी तो बहुत अच्छे हैं, संवेदनशील हैं, 15 साल आपकी सरकार भी रही है पूरे छत्तीसगढ़ में, उसके बाद भी विकास नहीं हो पाया। ये मत कहिएगा कि कांग्रेस की सरकार आई इसलिए विकास रुक गया। विकास कहाँ, विकास बहुत हुआ है। तो फिर सड़कों का निर्माण क्यों नहीं हुआ? लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ, मौके पर हमारे सहयोगी भी हैं रोहित। रोहित बताइए क्या कुछ दिक्कत है, क्योंकि ये शैलेश जी के हिसाब से तो विकास तो बहुत हुआ है। विकास हुआ रोड का मामला? हाँ हाँ, सुन लीजिए। फोर लेन सड़क का जो निर्माण चल रहा है उसके चलते बेतरतीब तरीके से और घटिया निर्माण चल रहा है, यहाँ तक कि गुणवत्ता को भी ताक पर रखकर ठेकेदार और जो जिम्मेदार जो अधिकारी है उनके द्वारा कराया जा रहा है। और दूसरी समस्या भी बता दीजिए किसानों वाली। दूसरी समस्या ये है कि मोहले जी के गृह ग्राम, विधायक मोहले जी के गृह ग्राम दसरंगपुर है, वहाँ पास बेतरतीब तरीके से मिट्टी को डंप करके रखा गया है, जबकि वहाँ पास भूरुम का निर्माण किया जा रहा है मिट्टी। बताइए शैलेश जी। जी, ये कार्यक्रम अभी 6 से 8 महीने पहले चालू हुआ है, हमारे शासन के बाद जाने के बाद। अच्छा, आपके जाने के बाद चालू है। शैलेश जी, क्षेत्रीय विधायक की क्या जिम्मेदारी होती है? सत्ता परिवर्तित हो जाएगी तो क्या क्षेत्रीय विधायक की जिम्मेदारी चली जाएगी? विधायक की, आम जनता की, जनप्रति सबकी जवाबदारी है, काम सही होना चाहिए। हाँ, तो काम भी तो सही नहीं हो रहा है ना। काम भी तो सही नहीं हो रहा भाई। आप तो जिला अध्यक्ष है, आपको तो इस तरह का वक्तव्य देना नहीं चाहिए, है ना? नहीं, विकास मैंने मुंगेली विकास हुआ है, पर इसमें नहीं बोल रहा हूँ, इसमें तो बहुत अनियमितता भी हुई है, इसमें चयन भी हुआ है इस रोड में, कई बार हमको ध्यान आकर्षण भी किए हैं, शासन तक हम लोगों ने भेजे हैं। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए ना, सुनिए ना, वहाँ पर कोई सुनिए ना। अरे शैलेश जी, सुन तो लीजिए, कितना भाषण देंगे। मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि 15 साल में तो विकास हुआ है, इस बात को तो मान रहे हैं। जी जी, तो फिर अगर 15 साल में विकास हुआ तो फिर मुंगेली का विकास क्यों नहीं हुआ? क्यों नेशनल हाईवे नहीं हुआ? कलेक्ट्रेट खुल गया, आप समझना ही नहीं चाहते, समझ रहे हैं, समझते हुए भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते या कन्नी काट रहे हैं? मैं कह रही हूँ आप 15 साल कन्नी क्यों काटूं भाई? आप सुनिए तो अच्छे से, जब सुनेंगे कान खोल के तभी तो आपको सुनाई समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं आपसे सीधा सवाल ये कर रही हूँ कि 15 साल आप मानते हैं ना कि डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो क्षेत्र का, पूरे प्रदेश का विकास हुआ है, मानते हैं ना? हाँ और ना? नहीं हुआ है विकास? हुआ है ना? नहीं हुआ? हाँ जी, हुआ है ना? हुआ है ना विकास? हाँ। तो क्या उस कार्यकाल में मुंगेली क्षेत्र को छोड़ दिया गया जहाँ पे नेशनल हाईवे का निर्माण नहीं हुआ, लोगों के लिए गली जो जो बनती है स्टेट हाईवे बनते हैं उनका निर्माण नहीं हुआ? अगर उस वक्त हो गया होता, सुन तो लीजिए, उस वक्त हो गया होता तो ये दिक्कतों का सामना ही नहीं आज करना पड़ता ना। मैं ठीक बोल रहे हैं मैडम, पर धीरे धीरे भाई, और ये जो काम हो रहा है, जो पैसा है इसके स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट का ही पैसा है। हाँ, तो आप सुनना ही नहीं चाहते, शायद आप समझना नहीं चाहते, बस आप में तो बस कैसे सत्ता में रहा जाए बस ये आता है शायद राजनेताओं को। मेरा सवाल सीधा ये है कि जब ये नेशनल हाईवे बन रहा है, केंद्र सरकार का पैसा है, विधायक और पूरी क्षेत्र की जनता अगर इससे विकास के लिए लगी हुई है और अगर राज्य सरकार भी लगी है तो इतना गुणवत्ता विहीन, जिसमें गुणवत्ता ही नहीं है, ऐसा विकास कैसे, ऐसा रोड का निर्माण कैसे हो रहा है? कहीं भी मिट्टियों को डंप किया जा रहा है। आप लोग जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है या नहीं कि जब वोट, जब चुनाव होंगे, वोट मांगना होगा तभी जाएंगे आप लोग घरों से? नहीं नहीं, जवाबदारी हम सबकी है। तो फिर क्यों नहीं गए अभी तक आप लोग? बच नहीं सकते हम, बच नहीं सकते हम ऐसे। नहीं, क्यों नहीं जाते आप लोग? नहीं, आप लोगों के सामने दिन दहाड़े इस तरह, मतलब इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कोई मौके पर नहीं पहुंचता? क्यों नहीं आप विधायक साहब, क्यों नहीं गए विधायक साहब अभी तक 6 महीने में, क्यों नहीं पहुंचे अपने क्षेत्र में? नहीं नहीं, मौके पहुंचे, देख भी रहे हैं हम। तो उसके बाद भी कई बार अवगत भी कराए, कलेक्टर जी के अवगत भी कराए हैं, तो कलेक्टर बढ़ रहा है, आने जा रहे हैं लोग राहगीर के लिए, कुछ सूचक बनाए हैं, कुछ बनाए हैं, एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं। तो यही तो मैं, आप जब समस्या बता रहे हैं और आपने कलेक्टर को अवगत कराया, अपने पार्टी के विधायक को अवगत कराया, अपनी पार्टी के सांसद को अवगत कराया, तो फिर अभी तक चीजें क्यों नहीं सुधरी? सरकार को अवगत कराया तो क्यों नहीं सुधरी? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। जी जी, सुधर नहीं पा रहे, सुधरना चाहिए बिल्कुल।
बहुत मुश्किल है शैलेश जी, इस तरह से अगर आपकी ही कोई बात नहीं सुनेगा तो कल को आप विधायक बन जाएंगे तो मतलब आपकी तो पकड़ ही नहीं रह जाएगी फिर तो। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम बातचीत के लिए। रोहित हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। छिंदवाड़ा स्थित पांडुर्णा के